भारत ने आरसीईपी को क्या ठुकराया, चीन तो पानी पानी हो गया, परेशान हो गया। ये परेशानी इसलिए नहीं है कि भारत ने आरसीईपी को क्यों ठुकराया, बल्कि उसे परेशानी इस बात की है कि उसके उत्पादों की भारत में घुसपैठ करने में कमी आ सकती है, जिससे उसके देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में भारत को लेकर चीन ने एक ताजा बयान दिया है। चीन ने कहा है कि वो आरसीईपी में शामिल नहीं होने के लिए भारत द्वारा उठाए गए बकाया मुद्दों को हल करने के लिए आपसी समझ और गुंजाइश के सिद्धांतों का पालन करेगा। चीन ने यह भी कहा है कि वो भारत का स्वागत करेगा कि वो जल्द से जल्द इस सौदे में शामिल हो। पीएम मोदी ने भारत के फैसले को 16 देशों की ब्लॉक की एक शिखर बैठक में आरसीईपी सौदे में शामिल नहीं होने के बारे में बताया था, जिससे दुनिया की बड़ी आबादी वाले देश के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा बनने को बड़ा झटका लगा। हालांकि चीन इस मसौदे में भारत के शामिल नहीं होने से बेचैन इसलिए भी है क्योंकि उसने एक बड़ा बाजार खोया है। देश की सरकार ने इस मामले में देश के व्यापारियों और कारोबारियों के हितों की चिंता करते हुए इसे खारिज कर दिया, जिसका लोगों ने स्वागत भी किया। जी, भारत ने सही फैसला लिया है आरसेप पे ना साइन करके, और हमें उम्मीद, हमें पता है मोदी जी ने जो भी फैसला लिया है वो भारत देश के लिए अच्छा फैसला है और इससे भारत की तरक्की में और सहयोग ही मिलेगा, और हम इस फैसले का समर्थन करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये जो डिसीजन है ये मोदी जी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने सोच समझ के लिया होगा, डोमेस्टिक इंटरेस्ट कंट्री का बचाने के लिए। बाकी ही इज़ द राइट पर्सन, और जो भी उन्होंने फैसला लिया होगा वो सोच समझ के लिया होगा, पूरा देश का इंटरेस्ट जो भी है, ट्रेड रिलेशंस एक्सेट्रा, वो सब इकोनॉमी देख के किया होगा। सो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी डिसीजन लिया मैं उनके साथ हूँ। दैट्स इट। या मैं इसको बहुत सही तरीके से देखता हूँ, क्योंकि इस समय हमारी कंट्री की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए जो भी प्रॉपर डिसीजन लिए जाएंगे उस डिसीज़न में हम मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिक को लगता है कि ये थोड़ा सा रॉन्ग जा रहा है डिसीज़न, लेकिन वो जो भी इकोनॉमिक्स हमारी कंट्री के जो स्पेशलिस्ट इसमें लगे हुए हैं वो इसको सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। आरसीईपी यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में 10 आसियान देशों के अलावा 6 अन्य देश, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया भी शामिल हैं। समझौता करने वाले देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिलता है, लिहाजा भारत के समझौते में शामिल नहीं होने से, ऐसे में भारत के समझौते में शामिल होने से चीन को भारतीय बाजार में पैर पसारने का अच्छा मौका मिल जाता। इस समझौते से बाहर होने का सबसे बड़ा कारण चीन से आयात ही बताया जा रहा है। अगर भारत आरसीईपी समझौता करता तो भारतीय बाजार में सस्ते चाइनीज सामान की बाढ़ आ जाती। आरसीईपी में शामिल देशों के साथ भारत का निर्यात से ज्यादा आयात होता है। समझौते के तहत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे अगर आयात बढ़ता है तो उसे नियंत्रित किया जा सके, यानी चीन या किसी दूसरे देश के सामान को भारतीय बाजार में पर्याप्त अनुपात में अनुमति देने पर स्थिति साफ नहीं थी। ऐसे में भारत ने अपने देश के हित को आगे रखते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसने अब चीन को बेचैन कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।